हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मैं ऐसा बताऊंगा जिससे कि आप ये दोनों के बीच में आपका बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाए। मैं चार पॉइंट्स में बेसिक डिफरेंस को बताऊंगा और इतना इजी तरीके से ताकि आप एग्जाम में जा करके ये पॉइंट्स को आप याद रख सको और इजीली वहां पर लिख सको, ठीक है। तो पहले मैं इन पॉइंट्स को बता देता हूं कि बेसिक है क्या, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रह जाए। बेसिकली डिटेल्स में जानने के लिए बहुत कुछ है दोनों के बीच में, लेकिन इस पॉइंट्स को रखेंगे याद तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत ईजी पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स मैं बता दूँ, फिर बता दूंगा कि इसमें से ये बेसिकली जो एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स और भी अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर एवलांच ब्रेकडाउन में देखेंगे, इन सेमी कंडक्टर्स एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स फ्रॉम द कॉलिजन ऑफ कैरियर्स विथ क्रिस्टल आयन ऑफ पीएन जंक्शन, है ना। मतलब सेमी कंडक्टर में ये करता है होकर ड्यू टू कॉलिजन ऑफ कैरियर्स, है ना। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जब आगे बताऊंगा एवलांच ब्रेकडाउन में लास्ट में इलस्ट्रेट करूंगा इस चीज को, तो उस समय ये पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसे आप याद रख सकते हैं कि इसमें कॉलिजन ऑफ कैरियर्स विद क्रिस्टलाइन के वजह से इसमें होता है, ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन अकर्स बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन। जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो उसमें से डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स रप्चर हो जाते हैं और उस टाइम पे बहुत सारे ये जो कैरियर्स है वो जनरेट हो जाते हैं और वहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो कैरियर जनरेट होते हैं और रिवर्स करंट डेवलप हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इलस्ट्रेट करूंगा इसे। फिलहाल इस पॉइंट्स को आप देखें, ये दो पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इट अकर्स फॉर लाइटली डोप्ड डायोड, इट अकर्स फॉर हेवीली डोप्ड डायोड। ये आसानी से याद रह जाएगा, इसे इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइटली डोप डायोड के लिए होता है और ये हेवीली डोप डायोड के लिए होता है। इस थर्ड पॉइंट है, इसमें जो होता है एवलांच ब्रेकडाउन में, उसमें जो डिप्लेशन लेयर या फिर डिप्लेशन रीजन जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जीनर में होता है वो डिप्लेशन रीजन इज नैरो। और फोर्थ पॉइंट है, इट अकर्स फॉर हायर देन 6 वोल्ट, ठीक है। ये जो होता है एवलांच ब्रेकडाउन, अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में वोल्ट को अप्लाई करते हैं उसी तरीके से, उसी कारण से ये ब्रेकडाउन होता है। तो अगर ज्यादा 6 वोल्ट से अगर ज्यादा रहेगा तो ही एवलांच होगा, और इट अकर्स फॉर लोअर देन 6 वोल्ट। मैं इसे ग्राफ से बताता हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ये एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या वोल्टेज को। तो जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में पीएन जंक्शन के डायोड के अक्रॉस, तो क्या होता है अगर 6 वोल्ट से ज्यादा रहा वो जो हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तभी एवलांच ब्रेकडाउन होगा, और 6 वोल्ट से कम रहा तो उस टाइम पे वो जीनर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चार पॉइंट्स है। अब मैं समझाता हूँ इसमें से ये पॉइंट्स को, फर्स्ट पॉइंट को और ये डिप्लेशन रीजन होता क्या। बेसिकली ये होता है हमारा डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन। इसमें जो पी है वो पॉजिटिव साइड होता है, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, और ये इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है और होल्स ज्यादा होते हैं। और ये एन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। ये जो बीच में जो फॉर्म करता है वो होता है डिप्लेशन लेयर। जब ये दोनों पी और एन मिलते हैं तो बीच में जो है ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन्स और होल मिलते हैं तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर फॉर्म करता है, और इस साइड में नेगेटिव फॉर्म करता है, इस साइड में पॉजिटिव फॉर्म करता है। और पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने बोला कि जीनर जो है ये एवलांच में क्या है, डिप्लेशन रीजन जो वाइड है, मतलब ये जो रीजन होगा ये डिप्लेशन रीजन ये ज्यादा होगा, ठीक है। और जीनर में ये डिप्लेशन रीजन नैरो, मतलब थोड़ा पतला होगा, ठीक है। और इस पॉइंट समझाए, हाँ ये पॉइंट अब मैं समझाता हूँ, ये एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि क्या है कि हम लोग जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अक्रॉस वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है तो इसमें जो थर्मली जनरेटेड जो कैरियर्स होते हैं इस जंक्शन में, है ना, ये थर्मली जनरेटेड जो कैरियर्स होते हैं वो उसमें इनिशियली उनका संख्या बहुत कम होता है, अगर एक दो है तीन चार है, ठीक है। अब इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे, तो ये जा करके जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसमें पीएन जंक्शन कह लो, तो इसके पास वोल्टेज की वजह से जो रिवर्स फील्ड अप्लाई हो रहा है उस वो फील्ड है जो ये जो
कैरियर्स है वो उन्हें हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेट करता है फील्ड, फील्ड एक्सेलरेट करेगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो इनका एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये जाएंगे और यहाँ पे टकराएंगे, तो इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होगा। उसी तरीके से जो ये भी है वो भी फिर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा। उस तरीके से और भी बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, उसी तरीके से ये फिर इसमें कोलाइड करेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, फिर ये कोलाइड करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ठीक है। मतलब ये हो क्या रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब इनिशियली स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर्स थे, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड, मतलब इनिशियली जब हम लोग वोल्टेज दिए रिवर्स में तो थोड़ा सा था कैरियर्स, बट वो कैरियर्स को जब वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते गए तो इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, तो ये जाके कोलाइड करते हैं जो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स है उससे, फिर और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, फिर वो भी जाके कोलाइड करते हैं, फिर और जनरेट होते हैं। उस तरीके से ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल नंबर से बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन होल्स, और जो रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज करता है। बट अगर हम लोग ज़ीनर डायोड में देखें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हम लोग जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें इनिशियली स्मॉल नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स नहीं होते। उसमें जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा होता है ये, है ना, कि इट एग्जर्ट्स लार्ज फोर्स। मतलब कि यहाँ जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज करते हैं अप्लाई तो ये बहुत सारे अगर ये हैं, ठीक है, एक साथ ही हम लोग ये कोवेलेंट बॉन्ड्स, जब रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किए हम लोग तो ये एक साथ ही बहुत सारे को ब्रेक कर देता है, इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल, है ना, और उससे एक ही बार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाते हैं, और उस टाइम पे वो जो है रिवर्स करंट एक ही बार में बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इनिशियली हम लोग करंट को इंक्रीज करवाते धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू कॉलिजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिजन्स हो रहा था ऑफ ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, फिर ये जाके कॉलिजन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई कॉलिजन नहीं होता इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, यहाँ पे डायरेक्ट रप्चर होता है। डायरेक्ट रप्चर मतलब डायरेक्ट बॉन्ड खुद से ही टूट जाते हैं, ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में तो ये बॉन्ड्स जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स वो डायरेक्टली खुद से ही टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि यहाँ पे इसमें जो है एवलांच में वो कॉलिजन ऑफ कैरियर्स की वजह से होता है, और इसमें जो होता है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस जंक्शन होता है, इसमें से डायरेक्ट रप्चर होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस, इसमें जो है कैरियर्स कोलाइड करते हैं और क्यूमुलेटिव बहुत ज़्यादा कोलाइड करते जाते हैं और बहुत सारा फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक ही बार में डायरेक्ट रप्चर होता है, उसमें कोई कॉलिजन वोलिजन नहीं होता है, ठीक है, और उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डायरेक्ट रप्चर होता है और उसमें फिर जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट है वो फ्लो करता है। तो इस तरीके से ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, तो यही है। तो कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।